हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। उस दिन मार्केट गई बट कपड़ा लेने में, खिलौना लेने में, चूड़ी लेने में, ये सब बाकी सामान लेने में नहीं समय मिल पाया, तो ये मंगलसूत्र मेरा नहीं गुथा पाया, तो जो जिसका ये पेज टूटा हुआ है। तो फिर आज हम मम्मी बोली तुम अकेले खुद चले जाओ, तो फिर आज इसका मोती गुथवा लेंगे। आरब का जो लॉकेट है उसको गुथवाना है, जो मम्मी मुंडन में बर्थडे में जो दी थी आरब को लॉकेट, तो उसको भी गुथवा कर इसको पहना ही देते हैं। आरब जब अभी छोटा है तो पहन ही लें। और ये मम्मी का भी आरब तोड़ दिया, तो बेचारी मम्मी का तो पूरा तोड़ दिया, तो मम्मी का भी गुथवा देंगे इसी में साथ में। और मेरा थ्रेडिंग भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर थ्रेडिंग भी साथ साथ रास्ते में ही बनवा लेंगे। और ये इतना लंबा मंगलसूत्र दूसरे दिन से पहने हैं, तो फिर ये डर लग रहा है कि ये ना नोच दें, तो फिर ये ज़्यादा परेशानी होगा ना। तो फिर छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा, गले में चिपका रहेगा। तो फिर चलिए मार्केट चलते हैं। मार्केट से अभी 5 मिनट हुआ आ रहे हैं और आरब सो नहीं रहा था, सो कर उठ गया। आते के साथ ये कंगन लेकर आया है पतला पतला, चूड़ी के किनारे किनारे पहनने के लिए। जो मोटा मोटा पहन रहे थे, नग वाला पहन रहे थे तो उसका नग निकल रहा था, और मोटा पहन रहे थे तो चुभ रहा था, जैसे कि ये हमको चुभ रहा था। तो फिर ये पतला पतला लेकर आया है। और ये देखिए, एक लाइटर लिए, लाइटर घर पे था नहीं, माचिस से जलाते थे। और ये आरब का साबुन रखने के लिए लिए हैं, आरब का साबुन। हाँ ठीक है, बात कर लो अपने मामा के साथ था, रो नहीं रहा था, लो बात कर लो। हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है। और ये देखिए ठीक है, ये मम्मी का गुथवा दिए और ये अपना गुथवा है गले में पहनने के लिए। ये सोने का ला था मेरे पास, तब फिर इसको मैंने इस तरह गुथवाया है। और ये केवल प्लेन गुथवाया है दो लहरी में, ये वाली मंगलसूत्र जो इस मोती में था, तो फिर मैंने इसको रेड में गुथवा लिया और इसको बस एक लहरी में गुथवाया है। और ये आरब का, आरब का ऐसे गुथाया है। इनको तो बस इसी से खेलना है। और देखिए ये रेड वाला इस तरह का लग रहा है और ये वाला इस तरह गुथवा है, बस ये ऊपर वाला जरा सा टाइट हो गया है, बट मुझे इसी तरह पहनने का मन कर रहा था। और ये देखिए क्या आया है, चौमीन। और अब ये देखो क्या आया है, वहीं से लेकर आया सुबह, जहाँ से आयुष कल लेकर आया था। देखो चौमिन पार्टी की तैयारी। उनको बहुत चौमिन पसंद है। हेलो फ्रेंड, और ये देखिए आज कढ़ी बनाने जा रहे हैं। कढ़ी और बाजरे की रोटी बनेगी, तो चावल तो इसके साथ बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत हमको तो मन कर रहा था बाजरे की रोटी खाने के लिए कढ़ी के साथ, और मम्मी को मन कर रहा था कढ़ी ही खाने को, क्योंकि हम रहते हैं तभी कढ़ी बनता है, वैसे तो मम्मी कढ़ी नहीं बनाती है, बहुत क्या बनाती ही नहीं है। और मैंने ये प्याज वाली कढ़ी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मन कर रहा था प्याज वाली कढ़ी खाने को, वैसे तो सादा पकौड़ी वाला कढ़ी तो खा ही लेते हैं। तो पहले मैंने प्याज को अच्छे से काट के बेसन को फेंट लिया है, अब इधर बेसन को मैंने जो कढ़ी में डालेंगे उसको पहले घोल बना कर, अब ये दही है, और ये दही
जो सिर पे रख के लेके जाते हैं उनसे मैंने ये लिया है। ये जो बहुत ही अच्छा दही होता है, इसका कढ़ी का स्वाद ही अलग होता है और ये लोग खुद घर पे ही जमाते हैं। और जो मैंने प्याज का पकौड़ी बना रहे हैं उसमें लहसुन और लाल मिर्च मैंने पहले मिक्सी में ही पीस लिया है, तो फिर पकौड़ी में भी डाल दिया है, जो पकौड़ी चटपटा बनता है और अच्छा लगता है। इस तरह सादा सादा पकौड़ी बनाओ, कढ़ी बनाओ, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, कढ़ी खाने का मन ही नहीं करता है। और ये देखिए आरब के लिए आलू का पकौड़ी बना रहे हैं, सोचे कि प्याज का बना रहे, अपने लिए सबका कड़ी पकौड़ी बन रहा है तो उसके लिए भी बना ले आलू का, बट वो नहीं खाया क्योंकि चाउमीन भी खा लिया था, बिस्किट विस्किट खा लिया था तो नहीं खाया। तो फिर हम लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं किए, बस रात को जब बाजरे की रोटी मम्मी बनाए गरम गरम तो मैंने उसको घी लगा। आरब खिलाओ, आरब आरब ये खिलाओ, दो खिला दो आरब, खा लो आरब। गरम गरम रोटी तब मैंने उसको खिला दिया है और इस समय पकौड़ी खाया नहीं और सुबह में इसको जान के छेड़ रहा है और ये पता नहीं क्यों ऐसा हरकत कर रहा है। और ये देखिए नीचे का उठा के खिला रहा है पर पकौड़ी नहीं खिला रहा है, और वैसे तो सबको चाउमीन खा के पेट भर ही गया था तो इसीलिए हल्का खाना ही बना कढ़ी और रोटी। कढ़ी तो बच ही गया था तो हम लोग अगले सुबह ही खा लिया गया। और ये देखिए ये पकौड़ी, ये वाली प्याज वाली पकौड़ी कढ़ी में पड़ता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है कढ़ी। और ये मेथी का तड़का देके मैंने मसाले को छौंक लिया है, जिस तरह बनाते हैं कढ़ी वैसे ही बनाते हैं, कोई अलग तरीके से नहीं बनाते, मुझे इसी तरह पसंद भी है, अलग तरीके से वो सादा सादा लगता है बिना मसाले वाले। और फिर मम्मी जब मैंने कढ़ी बना लिया तो फिर मम्मी रोटी बनाई, और बाजरे को रोटी हमको नहीं बनाने आता है तो मम्मी बोली कि हम बना रहे हैं। वैसे भी घर पे तो रोटी हम नहीं बना रहे थे, मम्मी ही बना के दे रही थी गरम गरम सबको खाने को, तो बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा किसी के हाथ से खाने में बहुत अच्छा लगता है, रोटी वोटी जैसे पूड़ी व रोटी व कोई बना कर दे तब मज़ा आता है, खुद बना कर खुद खाने में उतना स्वाद नहीं मिलता है। और ये देखिए मैंने कढ़ी को बहुत अच्छे से उबाल दे दिया है, ये कढ़ी पक चुका है एकदम, जब तक बेसन की कढ़ी अच्छे से पका ना लो तब तक अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए प्याज को पकौड़ी मैंने दबा दबा के डाला है, वैसे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस केवल बेसन का होता है तभी दबाया जाता है, वैसे मैंने फिर भी दबा दिया है और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी। क्या खा रहे बेटा? और लड्डू आया है, लड्डू पूरा लेके खाने, जो खाए पछता है जो ना खाए पछता है, पूरा लड्डू खाने ने लिए ले लिए। तुम ही सिखाए हो इसको ट्रैक्टर पे चढ़ना, देखो ये ट्रैक्टर पे अपना चढ़ रहा है, बोझा नहीं उठा रहा, ट्रैक्टर पे खुद चढ़ रहा है, टूटेगा गिराएगा बेटा, देखो जय श्री राम। सामान रखते रखते खुद का वजन उठाने लगा इस ट्रैक्टर पे, हाँ देखो देखो जरा सा बुद्धि, मूर्ति को आगे बढ़ाया जाए तो जाएगा। अबे तुमको ना मूर्ति है, तुम्हें को बना दे, गया गया लगा, जोड़ो इसको, जोड़ो, हाँ जोड़ो, या मैकेनिक लग गया। और ये देखिए आरा पूरे ट्रैक्टर पे सामान रखते रखते खुद ही चढ़ने लगा, और ये शुभम ही सिखाने वाला है, उसको कहा है कि इस पर बेटा चढ़ो तो ये चढ़ भी रहा है। और ये देखो पूरा ट्रैक्टर तोड़ के ही रख देगा, बट टूटा नहीं। और अभी हम डांट दिए हैं इसको तो ये रो रहा है शुभम के पास बैठ कर, और ये देखिए रो रहा है तो पाउडर लेकर, पाउडर भी छींटने में बहुत तेज है। और इधर मम्मी आटा गूंथने आई है और मैंने कढ़ाई को खाली करके कढ़ाई धुल के रख दिया है, और कढ़ाई पूरा भर गया था ना तो फिर मैंने ये बड़े डेक्ची में डाल दिया है। अब मम्मी की बारी, अब मम्मी रोटी बना बना के सबको देगी खाने के लिए, शुभम को, हमको और आरब को, तो सबको ही बाजरे की रोटी ही खाता है, भैया को जो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, भैया तो सुबह का भिंडी का मसाले वाली सब्ज़ी बनी थी वो खाए हैं, और हम लोग तो कढ़ी
और ये बाजरे की रोटी खाए हैं, और भैया हल्का फुल्का कढ़ी और पकौड़ी खाया है, वैसे उसको पसंद नहीं है। अब यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यू हो तो। बाय बाय।